जादू टोने को लेकर बावन ने किया महिला पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मजोला थाना क्षेत्र के चाव की बस्ती में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक तांत्रिक ने अपने भाई की पत्नी की नाक पर हमला कर दिया और तांत्रिक ने महिला की नाक को काट दिया। घटना की जानकारी लोगों ने पीड़ित महिला के पति को दी। पीड़ित महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया, मेरा भाई मुझसे दूर रहता है और तांत्रिक का काम करता है, जिसके चलते हमारे परिवार ने उसे बेदखल कर दिया है। आज सुबह वह मेरे घर पर आया तो मैंने उससे जाने को कहा। उसने घर में रुककर मुझसे चाय की मांग की और खाना खाने को कहने लगा, जिस पर मैंने अपनी धर्मपत्नी से खाना खिलाने के लिए कहा और मैं घर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया, जिसके कुछ ही देर बाद मेरे पड़ोसियों की कॉल आई और उन्होंने घटना की जानकारी दी। इस पर मैंने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक युवक ने अपनी भाई की पत्नी पर हमला कर दिया और उस महिला की नाक काटी। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज से मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। अघोरी बाबा, आपने किसकी नाक काटी? कर रहे हो बाबा के हम ठाकुर के शिष्य हैं। क्यों मारा, किस नाक क्यों काटी थी? ठाकुर अघोरी बाबा नहीं कही तो इतने वर्षों से जादू टोने का काम कर रहे हैं आप? हमारे बाप दादा जादू टोना नहीं करा करता, मेहनत करके। तुम्हारी कौन थी वो है? तुम्हारी कौन थी वो? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी हमारी भौजाई है। अच्छा, तो क्या मिलता हासिल उसको नाक काट के? क्या हासिल हुआ तुमको? क्या हासिल लक्ष्मी से? लक्ष्मी क्या बात हुई थी, कैसे में क्या हो रहा है? वो गलती बात बोल रहे थे मेरे से। कौन? हमारे जेठ है। अच्छा, तो मैंने मना कर दी थी, उसने काट दी। तुझे क्यों काट दी, क्या बात थी ऐसी? क्या कह रहे थे उनसे, क्या बात कर रहे थे? बात कुछ तो कर रहे थे। क्या बात है आपको हमला करने से पहले क्या बोला था उन्होंने? बोला कुछ नहीं था। और जल्दी बात बोलता हूँ, क्या बात बोली थी? क्या बोला था आपको? कुछ बोला था उन्होंने? ना नहीं, कुछ करने को कहा था? बता देना जो भी बात है। क्या हाँ करने को कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था आपको? कुछ कहा था आपसे? नहीं है? नाक तो ऐसे ही काट ली थी उन्होंने। कहाँ से काटी थी? चाकू से। काटने की वजह नहीं पता क्यों काटी थी? नहीं। कौन थे आपके बाबा? बाबा हैं क्या? कैसे बाबा है वो? बाबा जी बन गए हैं वो। तो आपको कुछ कहा था उन्होंने? वो गलती बात बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? बोलते सर मोहम्मद। क्या कह रहे थे आपसे? बारी जी बोलो। कुछ बोला था आपसे? बोला करते हैं। और आपकी कौन है? भाई पे हमारे। क्या बात है, बुरी बात है? बुरी बात का ये रात आए थे। कौन? ये भाई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यानी बेशरमाई से आया था ये, मैंने एक दो बार लट्ठ मारे भजाया भी है। पर ये तो कुछ नहीं करता, ऐसे ही बस मारा फिरता है, तुम बताइए। क्या बने पड़े? महात्मा बन गया। हाँ, तो आपकी ऐसा था एक, मतलब मैं तो दिल्ली जा रहा था सुबह, ट्रेन का टिकट भी मेरे पास पड़ा है। सुबह के बाद में ये बोला कि मैं नंदू चाय वाय पी के चला जाऊंगा। मैंने इसे चाय वाय दे दे, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। तो मुझे ये थोड़ी पता ये नाक काट देगा, ना तो मैं जाता ही नहीं। मैं तो आपसी तो इन्होंने फ़ोन करा पड़ोसियों, तब मैं भाग कर आया वहाँ से। नाक क्यों काटनी हो जाए, क्या कुछ पता? जो कह रहा है मुझे दूध ना दिया, दूध गर्म करवा रहा था, दूध को मना कर दी, तब नाक काट दिया था। तो हो नहीं सकता क्योंकि दूध की वजह से नाक काटे। मेरे बच्चे इतने गऊ हैं कि दूध का आपको बताइए। पुलिस आई थी? कौन सी पुलिस? पुलिस तो मुझे भी ना पता कहाँ की आई थी, राम तलिया की भी आई थी यहाँ से। हाँ, पुलिस ले गई थी यहाँ से। आपके भाई कहाँ पर? वो तो थाने में है इस टाइम, FIR भी होगी। मुझे लगता है कि किसका हमला, जानगा हमला था? ये मुझे नहीं पता, पता नहीं, मार नहीं आया था। इसके पास और भी धांति भांति रखी है। किसने पकड़ा? उसमें थैले में निकली, मैंने इनसे झाड़ा डिब्बा है। मैं तो था ही नहीं, मैं भाग का आई स्टेशन पर से। इन्होंने मोहल्ले वाले थे यहाँ पे। ये सुबह 6:30 बजे सूचना आई थी कि एक महिला
की नाम से एक वाइन किया गया है, नाम दिया किया गया तो उसके जो जीवन है कृपानंद, और उसके कारण कोई दूध को लेके आपस में विवाद हो गया, दूध देने को लेके, तो उस पर उसने आक्रोश में आ गया, एक चीज होती है जिस सुबह 6:30 बजे की घर है, उस समय पति काम के लिए घर से बाहर था, और इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, और इसमें अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कोई विवाद की बात सामने आई है? इससे पहले अभी तक कोई ऐसी कोई विवाद की बात सामने नहीं आई है, किसकी तफ्तीश की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्टेट में उसका फर्स्ट स्टेट कराया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,